हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। एल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी विलयन में विलय के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है, अवाष्पशील होता है, तो अवाष्पशील सॉल्यूट के कारण, विलय के कारण जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, टी बी माइनस टी बी जीरो। यहाँ पर टी बी जो होता है वो जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और टी बी जीरो जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका दोनों का डिफरेंस जो होता है वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो डेट टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेट टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे डेट टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब जो m की वैल्यू है वो कहाँ से आती है, m जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी में wb अपॉन mb इनटू 1000 अपॉन w है। wb यहाँ पे होता है सॉल्यूट का टोटल वेट होता है, wa जो होता है वो सॉल्वेंट का वेट होता है, और mb जो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का। और mb की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, डेट टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम एम की वैल्यू रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन, डेट टी बी एज इट इज रह जाता है, के बी सही रह जाता है। एम की जो वैल्यू है यहाँ पर हम रखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। 1000 का मल्टीप्लीकेशन इसलिए होता है कि डब्ल्यू ए जो होता है वो ग्राम में इसका वेट होता है सॉल्वेंट का, और हमें किलोग्राम में चाहिए, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। डेल्टा टी बी को हम नीचे ले जाते हैं, एम बी को इधर लाते हैं, सो एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे के बी जो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू बी जो सॉल्यूट का वेट है, टी बी जो डेल टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, और डब्ल्यू ए जो है वो सॉल्वेंट का टोटल वेट होता है। अब इन सब में के बी डब्ल्यू बी टी बी और डब्ल्यू ए की वैल्यू रख के हम किसी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास एम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं।